हिटलर की आत्मा जोगी जी में है तो बहुत अच्छी बात है। हिटलर ने बहुत कुछ काम किया है, वो अच्छा काम किया है, और हिटलर उन्हीं के ऊपर आक्रमण किया जो विरोधी रहे हैं। यदि उनकी आत्मा है तो उस कठोर आत्मा जो हमारे देश में विरोधी हैं, और जैसे हिटलर के समय में जो विरोधी थे उनको इस प्रकार से दंडनीय अपराध दिया जाता था, और यदि आत्मा है योगी जी में हिटलर की, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए उनको। और हिटलर की आत्मा की ही ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में धोखाधड़ी हो रहा है, हमारे देश को बर्बाद करने की प्रयास किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हमारे देश को इस्लाम देश बनाने की कुचक्र चल रहा है, इसलिए हिटलर की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है यदि हिटलर की आत्मा योगी जी में आ गई है तो वो शुद्ध कर लेंगे, और हिटलर की जो कार्यशैली थी उसके अनुसार करके और हमारे देश को वो सुरक्षित कर लेंगे। पहले तो मैं ओवैसी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी ठीक ठाक अच्छे डॉक्टर से वो अपने मानसिक स्थिति को दिखा लें, चूँकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन का नारा लगाना और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के किसी भी फरमान को लेकर उनको उनके अंदर हिटलर की आत्मा प्रविष्ट कराना, अच्छी बात है। हिटलर अपने देश और संस्कृति के लिए लड़ रहा था और हिटलर संपूर्ण रूप से अपने देश पर समर्पित था, जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। पर जिन्ना और जिन्ना के जिन्नों ने हमेशा इस देश को खंडित करने और इस देश के विरोध में गतिविधि करने में काम किया है, गतिविधि की है और कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश विरोधी एक्टिविटी की है। तो हिटलर तो अपनी जगह पे ठीक ही था, जिन्ना और उसके जिन्न नहीं थे, और इन जिन्ना के जिन्नों का जब तक जिन्न नहीं निकल जाएगा ना, तब तक ये देश साफ सुथरा नहीं होगा। जिस तरीके से उन्माद की मजहबी स्थिति पैदा की जा रही है ना, यह रोकी जानी चाहिए। और यह बरबोले बयानबाज असदुद्दीन ओवैसी बताएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज क्या कह रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। ये हैदराबाद से एक सांसद क्या हो गए, इतने फूले नहीं समा रहे हैं, जहां हैं वहीं रहे हैं, और जनहित के मुद्दों की बात करिए, आपकी इतनी क्षमता नहीं हो गई है कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी पर वार कर पाए हैं आप। ये जो बयान बरबोली बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लगाम लगाइए और लगाम लगाकर बोलिए, क्योंकि ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समझ रहे हैं ना बात को। तो स्थिति अपनी सुधारिए, मानसिक स्थिति सही करवाइए, और जो ये मानसिक दिवाला हो चुके हैं ना, इसकी अच्छे से दवा कराइए, प्रॉपर आप दवा लीजिए, पूरी तरीके से नियमावली बनाइए। सुबह शाम दोपहर जैसे 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं, वैसे आप 5 टाइम जब दवा लेंगे तब जाकर आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, तब आप इस देश संस्कृति और सभ्यता को समझ पाएंगे, तब आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को समझ पाएंगे। उसके पहले आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं।